Hello students, in today's lecture number 9 on ray optics and optical instruments for class 12, we shall have discussion on thin lens formula also known as lens equation. प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे thin lens formula और lens equation की. This thin lens formula और lens equation, thin lens का मतलब है कि उसका thickness जो है हम negligible लेंगे. क्या होता है ये? इट इज नथिंग बट ए रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू स्मॉल यू एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज स्मॉल वी एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. राइट, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. इसी को मैंने दोबारा लिखा, ये माइनस होता है तो ध्यान रखिएगा, वन अपॉन वी को पहले लिखना है, माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. ये जो रिलेशन है ये थिन लेंस फॉर्मूला कहलाता है. इसमें आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से कि 1 अपॉन वी पहले लिखा जाएगा, माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने पहले मिरर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन की भी बात की थी, तो उसमें 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू आता था. ध्यान कीजिए, प्लस आता था केवल. यदि यहां प्लस आ जाएगा तो वो मिरर फॉर्मूला बन जाएगा, मिरर इक्वेशन बन जाएगी. लेकिन लेंस फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन के केस में ये 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ आता है, जहां v लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस है और स्मॉल u लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है एंड स्मॉल f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. इससे पहले जो हमने लेक्चर 8 में बात की थी वो था लेंस मेकर फॉर्मूला. इसमें भी कंफ्यूजन में नहीं आना बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला इससे पहले हमने बात की थी. अभी हम बात कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन. इससे पहले जो बात की गई थी वो क्या थी? लेंस मेकर फॉर्मूला. क्या आया था? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. ये आया था ना, ध्यान कीजिए, यही आया था. देखिए ये वाला रिलेशन मैं आपको बता देता हूं क्या रिलेशन आया था, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है. थिन लेंस फॉर्मूला या लेंस मेकर फॉर्मूला इस टाइप से, ये देखिए, ये लेंस मेकर फॉर्मूला आया था हमारा, ठीक है, और ये थिन लेंस फॉर्मूला है. दोनों में अंतर है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. चलिए हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन की, इसको कैसे डिराइव किया जाता है, ठीक है. तो सबसे पहला हम केस जो लेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे. फर्स्ट केस हम लेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के लिए थिन लेंस फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन की हम बात करेंगे, ये फर्स्ट केस है. और कॉन्वेक्स लेंस में भी हम दो केसेज लेंगे. पहले हम रियल इमेज, आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस से रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती हैं. मिरर में कॉन्वेक्स मिरर से केवल वर्चुअल इमेज बनती थी, यहां लेंस में कॉन्वेक्स लेंस से रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती हैं. ये बात आप अच्छे से जानते हैं, इमेज फॉर्मेशन आपने क्लास 10 में पढ़ा था. कॉन्वेक्स लेंस से रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनती है, जबकि कॉनकेव लेंस से केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनती है. और ये भी बात हमने ऑलरेडी की है लेक्चर 8 में कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, बसरते यानी कंडीशन क्या है कि लेंस के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यदि मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो उस केस में लेंस अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को शो करेगा. यानी यदि कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग का है, इकट्ठा करना है लाइट रेज को, वो इकट्ठा ही करेगा, कन्वर्ज करेगा. लेकिन यदि मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए लेंस के मटेरियल के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से तो लेंस का एक्शन रिवर्स हो जाता है, यानी वो अपनी ओरिजिनल एक्शन को शो नहीं करेगा. जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस जिस मीडियम में रखा हुआ है, यदि उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप ज्यादा कर दें लेंस के मटेरियल से तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करने के बजाय डाइवर्ज करने लगेगा. वैसे ही केस कॉनकेव लेंस के साथ होता है. कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है क्योंकि वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, फैलाता है. लेकिन वो डाइवर्ज तभी करेगा कॉनकेव लेंस जब लेंस के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो. यदि मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया तो उस केस में कॉनकेव लेंस भी रिवर्स एक्शन शो करेगा, यानी वो डाइवर्ज करने के बजाय कन्वर्ज करने लगेगा, ठीक है. और यदि लेंस के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बराबर है तो कोई रिफ्रेक्शन नहीं होगा, जो लाइट रेज उस पर इंसिडेंट हो रही है लेंस पर, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, वो अनडेविएटेडली बिना किसी डेविएशन के जो है सीधे चले जाएंगी.
चलिए अब हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन की। रियल इमेज फॉर्मेशन के लिए हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। तो एक बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये लीजिए हमने बना लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर के ये कॉन्वेक्स लेंस बनता है, ये बात आप जानते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा इसका शेडिंग कर देते हैं, ठीक है, ये शेडिंग कर दे दीजिए, हल्का सा शेडिंग करना है, ज्यादा डार्क शेडिंग नहीं करना है। इस टाइप से थोड़ा सा शेडिंग कर दीजिए आप हल्के पेंसिल से, ठीक है, थोड़ा डार्क हो गया मेरे से तो, लेकिन आप एकदम हल्का जो है शेडिंग कीजिएगा। चलिए अब देखिए इस लेंस का ये जो मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ये जो एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है जो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा, यहाँ मिड में होगा, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है ब्लू पेन से, ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और आप ये भी जानते हैं कि इसका एक फोकस इस तरफ होता है, ठीक है, और इसका डबल डिस्टेंस हो जाता है ये 2f। ऐसे ही लेफ्ट में भी जितना c से f का डिस्टेंस है उतना ही लेफ्ट में भी c से f का डिस्टेंस ये हो जाएगा और ये 2f हो जाएगा। आप चाहो तो इसको f1, इसको 2f1, इसको f2, इसको 2f2 लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये बात हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देता हूँ, ऑब्जेक्ट को रखता हूँ मैं, आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना है, मैं तो पेन का यूज कर रहा हूँ लेकिन आपको डायग्राम पेंसिल से बनाना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और ये ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ रखा है मैंने, बियॉन्ड 2f रखा है, और ये a है और ये b है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड 2f रखा है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि मिरर में जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, वो सॉरी मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसकी जगह लेंस में क्या होता है, 2f होता है। तो ये बियॉन्ड 2f रखा है, इसका मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक तरफ बियॉन्ड 2f है तो इसकी इमेज कहां जाएगी, जो राइट साइड का f और 2f है उसके बीच में जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको एफ डैश, इसको 2f डैश मान सकते हो, इसको f और 2f मान सकते हो। यदि बियॉन्ड 2f डैश आपने रखा है तो इमेज कहां जाएगी, f और 2f के बीच में जाएगी, ठीक है। अब जैसे हमने मिरर के केस में याद रखा था कि मिरर कहां मिलता है जी, कनॉट पैलेस पर मिलता है, तो हमने एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की थी और एक लाइट रे पोल पर भेज करके रे डायग्राम बनाया था। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया, बियॉन्ड 2f डैश रख दिया, और इमेज कहां बनेगी बेटा, f और 2f के बीच में बनेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान होगा, हमने 10th क्लास में इमेज फॉर्मेशन लेंस के लिए भी किया था। चलिए यहां तक ठीक है। अब जैसे मैंने मिरर में आपको बताया था कि कनॉट पैलेस नाम से याद करवाया था, शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो c मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर था मिरर में और p का मतलब पोल था, वैसे ही यहां पर p का मतलब पैरेलल होगा। ध्यान रखिए p का मतलब एक लाइट रे को आप पैरेलल भेजिए, और जब लाइट रे पैरेलल जाती है, यहाँ पी का मतलब पोल नहीं है, ध्यान रखिए हम यहाँ पोल की बात नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पी का मतलब पैरेलल होगा, केवल इतना सा अंतर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइट रे गई, और पैरेलल जाने के बाद आप सब जानते हैं कि ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये देखिए फोकस से पास हो गई, और लाइट रे है इसलिए हमने एरो भी बना दिया, ठीक है, फोकस से पास हो गई। पैरेलल जाने के बाद लाइट रे फोकस से पास होती है, ये हम जानते हैं। अब ऑब्जेक्ट इसमें लेफ्ट में रखा है तो रियल इमेज बनेगी कहां बनेगी, राइट साइड में बनेगी, क्योंकि लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। चलिए यहां तक ठीक बात है। अब हम एक दूसरी लाइट रे, जैसे सी, सी यहां पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो दूसरी लाइट रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कीजिए। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए बिना किसी डेविएशन के आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो लाइट रे है वो हमेशा बिना डेविएशन के आगे बढ़ जाती है। आपको मैं बताऊं, देखिए रफ में मैं आपको बता देता हूं एक बात, आप लेंस के केस में ध्यान रखिएगा बेटा, ये जैसे लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, जब आप इस लेंस पर, अभी मैं कॉन्वेक्स का केस बता रहा हूं आपको, मान लीजिए ये कोई लाइट रे आपने गिराई,
ठीक है, ये लाइट रे आपने इस तरीके से इंसिडेंट की और ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो ये लाइट रे यहां से इस तरीके से बेंड होगी, उस पोर्शन की तरफ बेंड होती है जिसका मटेरियल का थिकनेस ज्यादा होता है। जिस अब यहां पर सेंटर में मटेरियल का थिकनेस थिकनेस ऑफ द लेंस ज्यादा है तो सेंटर की तरफ बेंड होगी, और ये जब ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे सीधे जाती है, अब फिर यहां पर इसका रिफ्रैक्शन होता है तो इस तरीके से निकल जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये लाइट रे और ये लाइट रे पैरेलल होती है। लेकिन हमने कैसे शो किया है बेटा, हमने शो किया है किस तरीके से, हमने सिंपली ऐसे शो कर दिया है ये इस तरीके से। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे रिफ्रैक्शन नहीं दिखाया, तो मैंने आपको ऑलरेडी ही कहा कि हमने जो लेंस लिया है वो कैसा लिया है, थिन लेंस लिया है। तो थिन लेंस लेने पर मतलब हमने जो थिकनेस है लेंस की वो नेग्लिजिबल ले ली है। ठीक है, तो उस केस में इसको रिफ्रैक्शन को दिखाना जरूरी नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही केस किस में होगा, कॉनकेव लेंस के केस में होता है। तो कॉनकेव लेंस में यदि आप देखेंगे तो ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ इसका होगा ऑप्टिकल सेंटर, तो ये लाइट रे आप मान लीजिए यहाँ पर गिराए, ठीक है, यहाँ पर लाइट रे गिराई तो इस तरीके से ये लाइट रे, ठीक है, और इस तरीके से चले जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, सरफेस पर रिफ्रैक्शन होता है, ध्यान रखिएगा रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन हम यहाँ दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, हम डील किसके साथ कर रहे हैं, थिन लेंस के साथ डील कर रहे हैं, यानी लेंस की थिकनेस को नेग्लिजिबल ले रहे हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पर पूरा सीधे दिखा दिया है, ठीक है, और यहाँ भी अंदर तक मैं सीधे ले गया हूँ क्योंकि थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लिया है, यहाँ अंदर तक सीधे दिखाया है मैंने, देखिए इसका मतलब लेंस की थिकनेस को मैंने नेग्लिजिबल माना है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए जरा, अब ये दोनों लाइट रे यहाँ पर मिल रही है तो यहाँ पर बनेगी इमेज, और ये दोनों लाइट रे कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से आ रही है, तो यहाँ जो इमेज बनेगा वो ए डैश का बनेगा। तो इस तरीके से इमेज बन जाएगी, उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज, ये देखिए ए डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश, ये पॉइंट हो गया बी डैश। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बन चुकी है। अब देखिए आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बेटा, ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड 2f' और इमेज कहाँ रही है, बिटवीन f एंड 2f, राइट साइड में, ठीक है, और ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा आप एक और ध्यान कीजिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर का सिचुएशन है और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये डिस्टेंस यू होता है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज का डिस्टेंस है वो हम क्या लेते हैं, वी लेते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्मॉल वी और ये स्मॉल यू होता है। ठीक है, यहां तक बात। अब देखिए, अब मैं यहां पर ये दो बातें ध्यान रखना बेटा, जैसे मिरर में पी और सी के का शॉर्ट ट्रिक याद रखा था ना, वहां पी का मतलब पोल था मिरर में और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहां भी पी सी है लेकिन यहाँ पी का मतलब पैरेलल है और सी का मतलब ऑप्टिकल सेंटर है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये दो लाइट रे ही आपको पास करनी है और इसी से पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, पूरा लेंस फॉर्मूला इसी से आ जाने वाला है। अब ये जो पॉइंट है ना बेटा, इसको मैं डी मान लेता हूँ, ये जो पॉइंट है इसको डी मान लेता हूँ और ये इसको मैं डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ। आखिर में मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डी सी है वो ए वी के बराबर है। अब ऐसा क्यों किया मैंने आपको अभी समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा कि मैंने डी सी को ए वी के बराबर क्यों ले लिया, ऐसा क्यों इमेजिन कर लिया, तो ये बात आपको आगे समझ में आएगी। देखिए अब यहां पर ये रे डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, इस रे डायग्राम में सबसे पहले आप देखिए जो सी एफ है, व्हाट इज दिस सी एफ, सी एफ जो है फोकल लेंथ है भाई, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, और कैसा होगा फोकल लेंथ, पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस है, राइट साइड में है, ठीक है, क्लियर है, तो ये फोकल लेंथ है। चलिए ठीक है, यू है, वी है और फोकल लेंथ है, इन तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है हमें, वही तो होगा हमारा थिन लेंस फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन। चलिए अब देखिए, इसके बाद में रे डायग्राम बनाने के बाद में, ये सब मेंशन करने के बाद में सुंदर सा रे डायग्राम आप बना लेंगे, उसके बाद में अब आप देखिए ऑप्टिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में क्या ऑब्जेक्ट का राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है ए बी और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इमेज का भी देखो, इमेज का बन रहा है क्या नहीं ऑप्टिकल सेंटर के साथ, ये ए डैश सी बी डैश राइट एंगल ट्राइंगल इमेज का भी बन रहा है, सी के साथ ऑब्जेक्ट का भी बन रहा है और इमेज का भी बन रहा है, दो ट्राइंगल हो गए।
अब देखिए दूसरा, आप फोकस के साथ भी देखना है बेटा, मेन फोकस के साथ ट्राइंगल बन रहा है क्या इमेज का? तो देखो ये छोटा सा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ए डैश एफ वी डैश, ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ना इमेज का एक। अब ऑब्जेक्ट का देखो, ऑब्जेक्ट का जो ट्राइंगल है वो एफ के साथ, इस एफ के साथ सीधे नहीं बन रहा है, मेन फोकस के साथ। तो इसलिए हमने ए बी के यहां मानने के बजाय ए बी को हमने यहां इसके पैरेलल ये डिस्टेंस ले लिया, तो ये ट्राइंगल एक हमारा डी एफ सी बन गया। तो इस ट्राइंगल का हम यूज करके डेरिवेशन निकालेंगे और लास्ट में डी सी को हम ए बी के बराबर लिख देंगे, ठीक है? तो हमने एक इनडायरेक्ट तरीका निकाल लिया फोकस के साथ ऑब्जेक्ट का राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए। तो यहां पर चार ट्राइंगल की बात हो गई, राइट एंगल ट्राइंगल। दो ट्राइंगल तो हो गए ऑब्जेक्ट का और इमेज का ऑप्टिकल सेंटर के साथ, और दो ट्राइंगल हो गए ऑब्जेक्ट और इमेज का मेन फोकस के साथ ट्राइंगल, ठीक है? अब चलिए आगे देखते हैं। अब नाउ यूजिंग ट्राइंगल, ये तो अभी तक फिजिक्स की बात होगी, अब कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स करना है। नाउ यूजिंग ट्राइंगल्स ए सी बी एंड ए डैश सी वी डैश, ठीक है? इन ट्राइंगल्स का यूज कर ले, लगभग वैसा ही प्रोसीजर होगा जैसा कि हमने मिरर फॉर्मूला को डिराइव करते समय दो दो ट्राइंगल लिए थे ना, वैसा ही होगा। अब देखिए ए ए सी बी कौन सा ट्राइंगल है, ए सी बी ये वाला, और ए डैश सी बी डैश ये वाला ट्राइंगल है, समझ में आ गया? ये ए डैश सी बी डैश ये वाला ट्राइंगल और ये ए सी बी। अब दोनों देखिए, इन दोनों का बेस तो सेम है ना, बेस मतलब एक ही एक्सिस के अलोंग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, कैसे हैं, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे कि ये जो आर्म है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी भाई ए बी लिखा है ना इधर ऊपर, ए बी लिखा है तो पहले ऊपर ये वाला डिस्टेंस लिखा जाएगा राइट साइड में, सी बी अपॉन, और अप्रोक्सीमेट चलता है ऑप्टिक्स में, ध्यान रखना एग्जैक्टली इक्वल नहीं चलता कुछ भी, और ये हो जाएगा सी बी डैश, सी बी अपॉन सी बी डैश। बोलिए ये बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है? ये इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूं मैं, ठीक है बेटा? क्या किया हमने, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर सी बी अपॉन सी बी डैश, ठीक है? यहां तक एक इक्वेशन तो ये आ गई। एंड अब दूसरा, एक दूसरे दो ट्राइंगल का यूज कर लो, ऑल्सो यूजिंग ट्राइंगल्स, कौन कौन से, डी एफ सी फोकस के साथ, डी एफ सी ठीक है, एंड ए डैश सी बी डैश। भाई डी सी हमने इसलिए लिया है क्योंकि ए बी के साथ तो फोकस का ट्राइंगल बन नहीं रहा, तो इनडायरेक्ट तरीका हम निकाल रहे हैं डी एफ सी एंड ए डैश सी बी डैश, ठीक है? अब इसमें क्या लिख सकते हैं, डी सी अपॉन ए डैश बी डैश, डी सी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी सी अपॉन ए डैश बी डैश, ये भी तो सिमिलर ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? डी सी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर सी एफ अपॉन एफ बी डैश हो गया, नहीं सी एफ अपॉन एफ बी डैश, सी एफ अपॉन एफ बी डैश। भाई ये डिस्टेंस, ये जो सी एफ है, ये जो सी एफ डिस्टेंस है, ये अपॉन इसके बराबर हो जाएगा एफ बी डैश, सी एफ अपॉन एफ बी डैश। जैसे डी सी को हमने अपॉन में लिखा ए डैश बी डैश, वैसे ये लिख दिया, ठीक है? अब सिंस डी सी, अब मैं यहां पर सीधे डी सी को क्या लिख देता हूं, पहले ए बी लिख देता हूं, ठीक है? डी सी को ए बी लिख दो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश। बोलिए समझ में आई बात, ठीक है? इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन टू, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन टू। तो हमने इनडायरेक्टली ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का वैल्यू निकाल लिया फोकस वाले ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में, ठीक है? डी सी को ए बी लिख दिया, ठीक है? अब यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, नाउ यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू वी हैव, क्या हो जाएगा इक्वेशन वन और टू का यूज करके, देखिए इक्वेशन वन और टू का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो जाएगा, तो सी बी अपॉन सी बी डैश बराबर हो जाएगा सी एफ अपॉन एफ बी डैश, हो जाएगा? नहीं, ये इक्वेशन थ्री आ जाएगा, ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। बोलिए यहां तक समझ में आया आप सबको, ठीक है? चलिए अच्छी बात है। सी बी, अब सी बी क्या है, वैल्यूज रखें सी बी, व्हाट इज सी बी, देखो सी बी यानी ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस,
सीबी क्या है बेटा, सीबी है माइनस यू, क्या है माइनस यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और सी बी डैश भी पता है क्या, सी ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, प्लस बी होगा, क्या होगा प्लस बी होगा, राइट साइड में है। और ये माइनस यू क्यों लगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में। यहां पर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, लेकिन लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी बी आ गया, सी बी डैश आ गया। और अब देखिए सी एफ हमने ऑलरेडी प्लस एफ लिख दिया, अब एफ वी डैश की भी हमें जरूरत पड़ेगी। एफ बी डैश, एफ वी डैश, एफ बी डैश, ये अलग से ऐसे कर लेना, एफ वी डैश। अब एफ वी डैश सीधे नहीं पता है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, एफ बी डैश को सी बी डैश माइनस सी एफ कर देंगे, सी बी डैश में से, सी बी डैश में से सी एफ माइनस कर देंगे, सी एफ माइनस कर देंगे। अब देखो जरा सी बी डैश क्या है, व्हाट इज सी बी डैश, वी इमेज का डिस्टेंस है ना, और माइनस सी एफ क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये एफ बी डैश हमने निकाल लिया। अब इन सब की वैल्यूज रख दो इक्वेशन थ्री में, तो इक्वेशन थ्री में वैल्यूज रखो, सी बी की वैल्यू रखो, सी बी क्या है, व्हाट इज सी बी, व्हाट इज सी बी, सी बी की वैल्यू देखें तो सी बी की वैल्यू है आपकी माइनस यू। ठीक है, माइनस यू, सी बी डैश क्या है, प्लस वी इज इक्वल टू, सी एफ क्या है, सी एफ है आपका प्लस एफ, स्मॉल एफ फोकल लेंथ, एफ बी डैश क्या है, वी माइनस है। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यू इंटू वी माइनस एफ, ठीक है, इज इक्वल टू वी एफ, ये आ जाएगा या नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, और सॉल्व कर लो इसको, माइनस यू वी प्लस यू एफ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम इसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। अब जैसे मिरर इक्वेशन निकालते समय हमने यू बी आर से डिवाइड किया था ना, ध्यान करो यू बी आर से डिवाइड किया था मिरर इक्वेशन निकालते समय। ठीक है, तो वैसे ही अब यहां पे भी करेंगे, तो इसमें हम इक्वेशन को एक बार और लिख देते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, और इक्वेशन क्या आएगी देखिए, माइनस यू बी को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ और वी एफ को लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, तो इसको लिखा जाएगा यू एफ माइनस वी एफ। ठीक है, यू एफ माइनस वी एफ, यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू बी। देखो मैंने क्या किया, आपको बताऊं, मैंने ये किया है, यू बी को राइट साइड में ले गया और वी एफ को लेफ्ट साइड में ले आया, तो यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहां पर अभी क्लियर आ रहा होगा, तो यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू बी। अब इसमें डिवाइडिंग ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा, डिवाइडिंग होल इक्वेशन, होल इक्वेशन विद यू वी एफ, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला निकालते समय यू वी आर से डिवाइड किया था, या यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना, इन तीनों के बीच तो रिलेशन है, इसलिए अब यू एफ अपॉन यू वी एफ, ठीक है, माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ। ठीक है, ये आ गया, अब यहां पर यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू यू बी से यू बी कैंसिल हुआ, क्या आ गया, ये लीजिए। और यही तो रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला है, यही तो लेंस फॉर्मूला है, या फिर जिसे आप क्या कहते हो, लेंस इक्वेशन। ठीक है, हो गया डेरिवेशन, लेंस इक्वेशन भी कहते हैं इसे। ठीक है, इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए और डिराइव करते हैं, हम बात कर लेते हैं अभी किसकी, वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज के लिए हम केस वही ले रहे हैं, बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, वही फर्स्ट केस है, कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है।
इसके लिए लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, तो इसके लिए लेंस फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, लेंस फॉर्मूला 4, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज के केस में, ये हेडिंग है, ठीक है। चलिए इस हेडिंग के लिए, इसके लिए लेंस फॉर्मूला, प्रोसीजर वही रहने वाला है बेटा, प्रोसीजर वही रहने वाला है, ध्यान रखना प्रोसीजर वही रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज बनाइए पहले तो, ठीक है। वर्चुअल इमेज किस केस में बनती है, एक ही केस में बनती है। तो सबसे पहले तो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूं मैं। रे डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ, रे डायग्राम इज मोर इम्पॉर्टेंट इन ऑप्टिक्स। और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर। और यहां मान लेता हूं मैं क्या है, इस जगह एफ है, इस जगह 2F है, ऐसे ही इधर मैं मान लेता हूँ एफ डैश है, और इधर 2F डैश। वो जरूरी नहीं है एफ डैश किधर मानना है, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा शेडिंग भी कर दो, शेडिंग कर दो इसको जरा लेंस को, ये मटेरियल इसके अंदर फिल्ड है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रेक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेस, इसे हम कहते हैं लेंस। ये लीजिए बन गया लेंस, सुंदर सा लेंस बन गया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को रखिए, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऑप्टिकल सेंटर और इस मेन फोकस के बीच में रखें तो इमेज वर्चुअल आएगी, ये आप जानते हो। यहां पे रख देता हूं मैं ऑब्जेक्ट को, ये लीजिए ये ए और ये वी, ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब मैंने दो बातें आपको बताई थी, एक तो लाइट रे पैरेलल जाएगी, ये पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद फोकस से पास होगी, ये रहा फोकस, ठीक है, पास हो गई फोकस से, ये फोकस से पास हो गई। अब ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर के यानी इस लेंस के काफी नजदीक है, इसलिए ये लाइट रे यहां से आने के बजाय पीछे कहीं से आती हुई दिखाई देगी, ठीक है, वो बात अभी करेंगे। और दूसरी लाइट रे कहां से पास करते हैं, इससे, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चले जाएगी, ठीक है, सीधे चले जाती है। और यहां से जब आप देखोगे, यहां से जब आप देखोगे तो ये लाइट रे पीछे कहीं से आती हुई दिखाई देंगी, तो पीछे कहीं से आती हुई दिखाई देंगी तो थोड़ा सा इनको पीछे एक्सटेंड कर लें, ये लीजिए ये एक्सटेंड कर लिया मैंने, इसको एक्सटेंड किया, ऐसे ही इसको एक्सटेंड कर लेता हूं मैं, पेन से ही जुगाड़ कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। ये यहां पर मिलेंगी दोनों, ये ऐसे आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि यहां इन दो, ये दोनों लाइट रे जो है यहां मिल रही है, ये इमेज किसकी हो जाएगी, ए की, ए डैश हो जाएगी। और ये बन गया आपका इमेज, क्या बन गया ये इमेज, ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है। यानी ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सीधी बन रही है, ठीक है, इरेक्ट है और वर्चुअल है, क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज है, जो कि एक वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। केवल एक इसी केस में इससे कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज बनती है, ध्यान रखिएगा। अब जरा अब वापस वही चार ट्राइंगल देख लें, राइट एंगल ट्राइंगल, कि दो ट्राइंगल तो हम ऑप्टिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ऑब्जेक्ट का बन रहा है क्या, ए सी बी बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश इमेज के रेस्पेक्ट में बन रहा है। और अब मेन फोकस के रेस्पेक्ट में भी देख लेते हैं, तो ए डैश एफ डैश बी डैश बन रहा है फोकस के रेस्पेक्ट में, ए डैश एफ डैश बी डैश बन रहा है ना। और ऑब्जेक्ट का ए बी का तो सीधे इसके साथ बनता नहीं है, तो यहां पर हम ए बी को बराबर मान लेते हैं किसके, डी सी के। अब देखिए डी एफ डैश सी बन गया ना ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और यहां पे लिख भी दिया करो कि डी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और जो सी एफ डैश है, सी एफ डैश क्या है, प्लस एफ है, सी एफ डैश क्या है, प्लस एफ, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगी बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी, यू कहलाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो इमेज यहां बन रही है, इसकी जो डिस्टेंस होगी वी कहलाएगी। और दोनों ही नेगेटिव होंगे क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में है,
तो लिख देते हैं यहाँ पर ये भी वैल्यूज लिख देते हैं कि जो सी बी है ये क्या है, माइनस यू है, और सी बी डैश ये क्या है, अप्रोक्सीमेट के लिए बोला था मैंने, अप्रोक्सीमेट लिखना है, ये माइनस वी है सी बी डैश, ठीक है। चलिए अब वही आपको प्रोसेस अडॉप्ट करना है जैसे पहले किया था। क्या करना है, यूजिंग ट्राइंगल्स ए सी बी एंड ए डैश सी बी डैश, तो क्या लिखा जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी डिस्टेंस, सी बी अपॉन सी बी डैश, सी बी डैश, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। ऑल्सो यूजिंग ट्राइंगल्स ए डी डी एफ डैश सी एंड ए डैश एफ डैश बी डैश, इन दोनों का यूज करके क्या लिखेंगे, डी सी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, सी एफ डैश अपॉन सी बी डैश, यही होगा ना, ठीक है। अब इसमें सेंस डी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ डैश अपॉन सी बी डैश, इक्वेशन नंबर टू मान लेता हूं। ये समझ में आ गया, देखिए डी सी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ डैश अपॉन सी बी डैश, ठीक है, ये बात हो जाएगी। अब इक्वेशन और वन और टू को, इक्वेशन वन और टू को यूज करके, नाउ यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू वी मे राइट, क्या लिखा जा सकता है, वी मे राइट क्या लिखा जा सकता है, देखिए इक्वेशन वन और टू का यूज करके दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है इक्वेशन वन और टू की, तो राइट साइड भी बराबर हो जाएंगी, यानी सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू होगा सी एफ डैश अपॉन सी बी डैश। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है बेटा, ये देखिए यहाँ पर मैंने सी बी लिखना था, ये सी बी है ये सी बी डैश, ठीक है, ये ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सी एफ डैश अपॉन सी बी डैश, 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 ठीक है। लेकिन ये सेम क्यों आ रहा है, देखो जरा, सी बी एफ सी एफ डैश, क्या आएगा, एफ डैश सी बी डैश अपॉन सी बी, सी बी अपॉन सी बी डैश आ गया, एक एफ बी डैश, ये इमेज है ना आपकी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो ये तो ऑब्जेक्ट लिया था हमने, ऑब्जेक्ट का ले लिया, सी एफ डैश अपॉन एफ डैश के साथ लेना है ना, ये हमने क्या लिखना था, एफ डैश बी डैश, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगा ना एफ डैश बी डैश, इमेज का फोकस के रेस्पेक्ट में एफ डैश बी डैश, तो यहां आ जाएगा एफ डैश बी डैश, समझ में आ गया बेटा, एफ डैश बी डैश, यहाँ सी लिख गया था गलती से, एफ डैश बी डैश होगा क्योंकि एफ डैश बी डैश ये डिस्टेंस लेंगे ना जब फोकस में एफ डैश के रेस्पेक्ट में ट्राइंगल अज्यूम करेंगे, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, एफ डैश बी डैश ये लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है, सी बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस यू, सी बी डैश की वैल्यू है माइनस वी, सी एफ डैश की वैल्यू है प्लस एफ, लेकिन एफ डैश बी डैश की वैल्यू नहीं है, तो जरा यहां पर पहले एफ डैश बी डैश भी निकाल लो, एफ डैश बी डैश ऐसे तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसको क्या लिखा जा सकता है, सी एफ डैश प्लस सी बी डैश लिखा जा सकता है ना, सी एफ डैश प्लस सी बी डैश लिखा जा सकता है। अब सी एफ डैश तो प्लस एफ है स्मॉल एफ, और सी बी डैश जो है माइनस वी है, तो एफ माइनस वी आ जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, सी बी, सी बी का मतलब क्या हो गया बेटा, माइनस यू अपॉन सी बी डैश का मतलब क्या हो गया, सी बी डैश का मतलब हो गया माइनस वी इज इक्वल टू सी एफ डैश का मतलब प्लस एफ, ठीक है,
और एफ डैश बी डैश क्या आ गया, एफ माइनस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू इंटू एफ माइनस वी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू एफ, ये आएगा। अब माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल भी हो गया, तो यू एफ माइनस यू वी इज इक्वल टू वी एफ, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, यू एफ वी एफ को इधर ले आए और यू वी को इधर ले जाए, यू वी, ठीक है। अब इसमें डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग होल इक्वेशन, होल इक्वेशन विद किससे डिवाइड करते हैं, यू वी एफ से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ, और ये बराबर हो जाएगा यू वी अपॉन यू वी अपॉन यू वी एफ। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां बचेगा वन अपॉन वी, यहां बचेगा वन अपॉन यू इज इक्वल टू यहां बचेगा वन अपॉन एफ। यही तो थिन लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला कहो या फिर क्या कहो, लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन। तो कोई भी आप इमेज यूज कर लो, रियल इमेज का फॉर्मेशन करो चाहे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करो, फॉर्मूला तो वही आने वाला है, ठीक है। अब एक लास्ट केस और ले लेते हैं कि सेकंड केस हम बात करेंगे, कॉनकेव लेंस की बात करेंगे बेटा। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनवेक्स की बात कर चुके हैं ना, कॉनकेव की बात करेंगे। कॉनकेव लेंस और इमेज कैसी बनती है इससे, इससे तो इमेज केवल वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ये हमारा अब नेक्स्ट हेडिंग है। तो इस हेडिंग के लिए लेंस फॉर्मूला डिराइव करें, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, रे डायग्राम ड्रॉ करना। तो चलिए रे डायग्राम बना लेते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए अब कौन सा लेंस बनाना है, कॉनकेव, तो ये लीजिए कॉनकेव लेंस बना लीजिए, कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस बन गया। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है और ये जो एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, ठीक है यहां तक। और इसकी शेडिंग भी कर लो जरा, इसको थोड़ा सा शेडिंग कर लो, रे डायग्राम अच्छा बनाना है, ठीक है। ये हमने इसकी शेडिंग कर दी, ठीक है, कॉनकेव लेंस। अब कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लो कॉनकेव लेंस के केस में, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल ही बनेगी, ठीक है। अब इसमें वही फोकस वगैरह तो आप जानते ही हो, ये ऑप्टिकल सेंटर है तो इसका यहां आप फोकस ले सकते हो, इस जगह ऐसे ही इधर फोकस ले सकते हो। अब चलिए ऑब्जेक्ट को यहां रख दो, ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने ए बी, और एक लाइट रे कैसे भेजेंगे, पैरेलल, ये गई पैरेलल, और यहां से ये कैसे जाएगी, डाइवर्ज होगी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा। दूसरी लाइट रे कहां भेजते हैं, सीधे ऑप्टिकल सेंटर से, सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो लाइट रे सीधे चले जाएगी, दोनों यहां मिलेंगी और यहां बनेगी इमेज, ये देखिए ए डैश और ये वी डैश, छोटी सी इमेज बन गई, ठीक है। ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी, कैसी इमेज बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी। और इस पॉइंट को हम क्या नाम देते थे, डी, और ये हो गया डीसी, और डीसी को क्या लिखते हैं बेटा, डीसी को हम लिखते हैं ए बी, ठीक है। अब वही आप देखो, इसका जो फोकस फोकल लेंथ होगा, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। इधर ये डाइवर्ज करेगा, इधर तो मिलेंगी नहीं लाइट रे, ऐसा लगेगा कि यहां मिलेंगी, तो इसलिए लेफ्ट साइड में फोकस है, लगेगा कि फोकस लेफ्ट साइड में है, तो माइनस एफ आ गया सी एफ का वैल्यू, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से ये क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा।
अब देखिए सी बी डैश क्या हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा, लेफ्ट साइड में है ना इसलिए, और सी बी क्या हो जाएगा, माइनस यू, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। अब वही यूजिंग ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स, पहले तो देखो ए का सी के साथ बन रहा है या नहीं, ए सी बी ऑब्जेक्ट का बन गया, एंड इमेज का देखो ए डैश सी बी डैश बन गया, ए डैश सी बी डैश, ठीक है। इन ट्राइंगल्स का यूज करके वी में राइट क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वही ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, अब तो आपको रट गया होगा, और ए बी मतलब सी बी अपॉन सी बी डैश हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, इसलिए सी बी अपॉन सी बी डैश, ध्यान रखना नीचे सी बी डैश है ऊपर सी बी है, ये सी बी अपॉन सी बी डैश, इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूँ। ऑल्सो यूजिंग ट्राइंगल्स किसके रेस्पेक्ट में, फोकस के रेस्पेक्ट में, तो फोकस ये रहा, तो डी एफ सी एंड ए डैश एफ वी डैश, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वी में राइट, ये दोनों भी तो कॉन्ग्रुएंट है, डी एफ सी एंड ए डैश सी वी डैश, ठीक, सॉरी ए डैश एफ वी डैश दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो डी सी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर आएगा किसके, भाई डी सी इससे सी एफ आएगा ऊपर और नीचे आएगा सी बी डैश, क्या आएगा वो, सॉरी बी डैश एफ, सी से याद आ रहा है बार बार, ए डैश एफ बी डैश ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो बी डैश एफ आएगा, बी डैश एफ, एफ बी डैश नहीं लिखना बेटा, क्योंकि डिस्टेंसेज को हमेशा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से मेजर करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब डी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका ए डी सी की जगह ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बराबर आ जाएगा सी एफ अपॉन वी डैश एफ के, इसको इक्वेशन टू मान लेता हूँ। अब इक्वेशन वन और टू का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी बराबर होगा, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, नाउ नाउ यूजिंग इक्वेशन, नाउ यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू वी हैव, क्या लिखेंगे हम, ए बी अपॉन ए बी डैश यानी लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है, तो सी बी अपॉन सी बी डैश राइट साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, राइट साइड ऑफ सेकेंड इक्वेशन सी एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थ्री मान लेता हूँ, ठीक है। अब सी बी का मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, माइनस यू ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और सी बी डैश क्या है, माइनस वी ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, सी एफ क्या है, माइनस एफ फोकल लेंथ है, और वी डैश एफ क्या होगा, वी डैश एफ देखिए अब जरा, वी डैश एफ ये क्या होगा, बी डैश एफ, तो सी एफ में से सी बी डैश हटा दें, सी एफ में से सी बी डैश हटा दें, घटा दें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आ जाएगा सी एफ क्या है, माइनस एफ, और सी बी डैश क्या है, माइनस वी, तो कितना आ गया, माइनस एफ प्लस वी, ये आ गया नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से ये बी डैश एफ भी हमने निकाल लिया, माइनस एफ प्लस बी, इनका ध्यान रखना माइनस प्लस का, ठीक है, माइनस एफ प्लस बी, तो माइनस एफ प्लस वी, ये बी डैश एफ आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे माइनस को कैंसिल कर दो, तो यू इंटू माइनस एफ प्लस वी इज इक्वल टू माइनस वी एफ, ये आ जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करो, माइनस यू एफ प्लस यू बी इज इक्वल टू माइनस वी एफ, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, यू एफ माइनस यू बी, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा। अब वी एफ को इधर ले आओ, माइनस वी एफ यू बी को इधर ले जाओ, तो यू बी, अब इस इक्वेशन को क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग होल इक्वेशन विद यू बी एफ, ठीक है, तो यू एफ अपॉन यू बी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू बी एफ इज इक्वल टू यू बी अपॉन यू बी एफ, ठीक है, यू बी एफ, ठीक है बेटा।
अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो गया तो वन अपॉन वी, माइनस वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया वन अपॉन यू, और ये क्या आ जाएगा वन अपॉन है, और यही तो हमारा रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला है। आ गया इसके लिए भी वही फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि किस तरीके से हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए लेंस फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, और कैसे हम कॉनकेव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस नेक्स्ट लेक्चर में, पावर ऑफ ए लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करेंगे, और उसके बाद में रिफ्रैक्शन ड्यू टू ए प्रिज्म की बात करेंगे। वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।